हाँ जी बच्चों, तो ये मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये डेफिनेटली एक क्यूबिक की फैक्टराइजेशन जरूर आती है एग्जाम में, ठीक है? सब्जेक्टिव मोड में जब आप करके आओगे तो कैसे करके आओगे, बात यह है इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टर्स बनाना है इसके। और अगर मैं कहूं इसके जीरोस निकालो तो फैक्टराइज करेंगे तभी तो आप जीरोस निकाल पाओगे, हाँ या ना? क्या बोल रहा हूं, फैक्टराइज करोगे तभी तो आप क्या निकाल पाओगे, जीरोस। और जीरोस क्या होते हैं, वो वैल्यू जो उस पॉलीनोमियल में पुट करें और उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक में लेके जा रहा हूं बच्चों आपको। अगर मैं कहूं x-3, ये कैसा पॉलीनोमियल है, लीनियर। ये कैसा पॉलीनोमियल है बच्चों, और लीनियर की अगर जीरो निकालनी हो तो उसको मैं डायरेक्टली इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 3, इस x-3 जो पॉलीनोमियल है उसका एक जीरो है, मतलब अगर इस पॉलीनोमियल में 3 लगा दूं तो ये जीरो हो जाए। इस तरह से फिर मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताया था, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x²-7x+12, इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, fx। और अगर मैं कहूं इसको फैक्टराइज करो और जीरोस निकालो, तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हो क्वाड्रेटिक को, मिडल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, या कई बार a²-b² की आइडेंटिटी लग जाती है जब बीच वाली bx वाली टर्म गायब होती है उसमें, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहला काम है इसको फैक्टराइज करना। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो x²-4x-3x+12, मिडल टर्म स्प्लिट से कर रहा हूं कि ऐसा सम -7x आए, और प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 12x² आ रहा है। ये तो सबको अच्छे से करा रखा है, जिसने मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं कर रखी तो वो मेरा वीडियो देख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट का। ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी, किसकी फैक्टराइजेशन होगी, x²-7x+12, हाँ या ना? और अगर मैं इसके फिर जीरोस निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो जीरोस कैसे निकाले जाते हैं बच्चों, जो फैक्टराइज फॉर्म आती है उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो x-3 = 0, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। x-4 = 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है? तो ये तो हमारे लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थे, जिसको मैंने फैक्टराइज भी करके दिखाया। क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करना पड़ा, और लास्ट में अगर जीरोस निकालनी है तो इक्वल टू 0 भी रखना पड़ा। अब बात आती है क्यूबिक क्यूबिक पॉलीनोमियल की। अब बात किसकी आ रही है बच्चों, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की एज सच डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना मुश्किल होता है। कई बार तो हो जाएगी, आप कुछ ऐसा ग्रुपिंग कर दो कि आपकी हो जाएगी, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लेकिन कई बार क्या है उसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, तो आप अपनी तरफ से कुछ रैंडम वैल्यूज पुट करोगे। क्या बोल रहा हूं, आप अपनी तरफ से कुछ रैंडम वैल्यूज पुट करोगे। वो वैल्यूज क्या पुट कर सकते हो, 1, वैसे उसकी ट्रिक्स भी होती है कि कौन सी वैल्यू पुट करने से जल्दी आएगा, लेकिन एक 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए नॉर्मल वैल्यूज ही पुट करके देखनी है, +1-1 पुट करके देख लो, या +2-2, +3-, एक 9th क्लास के बच्चे के लिए इतनी वैल्यू से ही काम चल जाता है। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं तो उसमें हम एक ट्रिक बताते हैं कि किन वैल्यू से जल्दी जल्दी आ सकता है आपका, लेकिन एक 9th क्लास के बच्चे के लिए इतना ही काफी है। तो आप कुछ वैल्यूज पुट करके देखोगे कि किससे ये जीरो हो जाएगा, किससे क्या हो जाएगा बच्चों। तो मैं लगा के देखता हूं, इसका नाम रख देते हैं कि इस पॉलीनोमियल का कुछ भी, px। मैं पहली वैल्यू 1 डाल के देखता हूं उसमें, तो जब मैंने 1 डाली तो 1³ - 2 × 1² - 2 - 1 + 2, तो देखो बच्चों क्या ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। यस, ये जीरो आ रहा है, कोई इशू हो तो बताइए। अगर ये जीरो आ रहा है, सुनो, तो 1 डालने से जीरो आया, क्या बोला, x = 1, डालने से ये क्या आया, जीरो आया। तो फैक्टर कौन हुआ, x-1 फैक्टर कौन हुआ इस पॉलिनोमियल का, एक, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक के कितने फैक्टर बन रहे थे, 2, क्यूबिक के कितने बनेंगे, 3। उन 3 में से एक फैक्टर मुझे पता लग चुका है, क्या पता लग चुका है, x-1। x-1 का मतलब x = 1 आ रहा था, 1 इधर ले गया,
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स माइनस वन इंटू समथिंग होगा और वो इक्वल टू जीरो होगा, तो उससे हमें जीरोस भी पता लग सकते हैं। एक जीरो मुझे पता लग चुका है, वन। एक जीरो पता लगने का मतलब, वन पता लगने का मतलब क्या है? मैंने हिट एंड ट्रायल से, मैंने किससे, मैंने देखा यार वन पुट करने में तो जीरो आ गया, वन पुट करने पे जीरो आया तो फैक्टर कौन हुआ, एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन? एक्स माइनस। ये बात ध्यान रखें। अब आपको मैं थोड़ी सी स्कूल लेवल की थिंकिंग पे ले जाता हूँ, थोड़ी और छोटी क्लासेस में 2 मिनट के लिए लेके जा रहा हूं। अगर मैं कहूं एक नंबर 15 है, उसको 5 से डिवाइड किया तो 5 3 15, रिमाइंडर क्या आया, जीरो। रिमाइंडर क्या आया, तो जो 15 है इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? तो क्या ये 15 5 × 3 है? तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो अगर इस नंबर, इस पॉलिनोमियल, यहां पे किसकी बात हो रही है, पॉलिनोमियल की, ये कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, क्यूबिक। इसका एक फैक्टर पता लग चुका है, क्या है, एक फैक्टर पता, तो दूसरा निकालने के लिए इस फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। जैसे अगर मुझे पता लग गया है कि 15 का एक फैक्टर 5 है, मुझे पता लग चुका है कि 15 का एक फैक्टर, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे, इस 15 को 5 से डिवाइड करके मुझे दूसरा फैक्टर 3 पता लग गया या नहीं लग गया। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, x³ - 2x² - x+2 का एक फैक्टर क्या पता लग चुका है बच्चों, एक्स माइनस वन, एक फैक्टर क्या पता लग चुका है, एक्स तो बाकी जो भी फैक्टर निकालने हैं मुझे इस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस वन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आओ अब करते हैं, क्या है पॉलिनोमियल याद रखो, क्या है, x³ - 2x² - x+2। आओ लिखते हैं, x³ - x+2, एक बार चेक करो, यही है ठीक है। और अभी अभी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर पता लग चुका है, क्या पता लग चुका है बच्चों, एक्स एक्स माइनस वन पता लग चुका है। इसका एक फैक्टर मुझे क्या पता लग चुका है, एक्स माइनस वन पता लग चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स माइनस वन से डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकालूंगा। और अगर ये एक्स माइनस वन फैक्टर पता लग चुका है, अगर इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो श्योर है। अगर आप लॉन्ग डिवीजन भी करोगे तो जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता लग ही चुका है इसका फैक्टर है, आया ना। अगर जीरो नहीं आ रहा तो आपने कहीं लॉन्ग डिवीजन में गलती की है, और लॉन्ग डिवीजन मैं सिखा चुका हूं। देखिए बच्चों लॉन्ग डिवीजन, अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, यस, पहले बड़ी पावर है 3, फिर 2, फिर 1, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। और मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब भी ऐसी लॉन्ग डिवीजन करो तो दोनों पॉलिनोमियल, डिविडेंड वाला भी और डिवाइजर वाला भी, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब डिक्रीजिंग पावर्स की फॉर्म में होने चाहिए, तो दोनों जगह है ही नहीं, होंगे तो पहले उनको सेटल करना पड़ता है। डन हो गया, अब करते हैं इसको, एक्स को पकड़ो, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, x³ आए, तो आप कहोगे सर x² से करो, तो क्या मिलेगा बच्चों, तो -1 को भी इस x² से करना पड़ता है, यही लॉन्ग डिवीजन का फॉर्मेट है। फिर क्या करना पड़ता है, ये जो आया ना नीचे, ये इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब एक ब्रैकेट माइंड में सोचो, वैसे लगानी नहीं है एग्जाम में, माइंड में सोचो एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ये चीज है, जब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस का एक्सक्वायर हो जाएगा प्लस की जगह, और ये माइनस का एक्सक्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्सक्यूब हो जाएगा सॉरी, और ये माइनस का एक्सक्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्सक्वायर, क्योंकि माइनस अंदर गई इस ब्रैकेट में, ये बात समझ आई। अब x³ प्लस का ऊपर, यहां पे माइनस का, तो कट हो जाएगा सॉल्व करते हुए, माइनस का 2x² प्लस का x², बताओ माइनस x², बहुत ही बढ़िया। और ये पूरा का पूरा माइनस एक्स प्लस टू ऊपर से ले लेना, ले लिया। अब बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस x² है, वेरी गुड, x को किससे मल्टीप्लाई करें, ये वाला x नजर आ रहा है कि माइनस x² आए, तो आप बोलोगे सर माइनस x से। अब -1 को भी तो करना है, प्लस x, क्या बात है। अब क्या होंगे, साइन चेंज, यू समझना, ये जो आया ना येलो कलर में लिखता है, इस ये ब्रैकेट में है और बाहर माइनस है,
बाहर माइनस होने से ये प्लस का हो गया जब ब्रैकेट खोलोगे, और ये क्या हो गया, तो इस थिंकिंग से कभी गलती होगी नहीं, अब ये कट हो गया। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हुआ बच्चों, माइनस टू एक्स ऊपर से टू ले लिया। अब फिर से वही प्रोसेस लगाओ, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेगी, माइनस टू एक्स है, माइनस टू से, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस का टू। और ये जो फिर जो मैंने नीचे लिखा है, ये जो मैंने जिसपे सर्कल लगाया, समझाने के लिए सर्कल लगाया, ये समझना एक ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस जाएगी तो साइन चेंज होंगे, प्लस का और ये कट कट, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब हमने डिवीजन बिल्कुल ही सही किया। तो बेटा एक फैक्टर तो एक्स माइनस वन पता था, एक और पता लग गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो मतलब मैंने जो 15 वाला एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, उसका एक फैक्टर अगर 5 पता लग चुका है, तो दूसरा फैक्टर 5 थ्री जा 15 करके दूसरा फैक्टर 3 पता लगा, तो मतलब इस 15 को 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जो अंदर वाला डिविडेंड है, अंदर वाला डिविडेंड क्या है बच्चों, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको दिस इनटू, पहला फैक्टर क्या था एक्स माइनस वन, और दूसरा फैक्टर अभी अभी हमने डिवीजन से निकाला, क्या निकाला, तो क्या अभी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुई है, नहीं, क्या अभी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुई है, नहीं हुई है। तो अभी और क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, ये जो फैक्टर बना है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्यों है बेटा ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, तो उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन किससे हो सकती है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट, तो करके देखें, एक नाइन्थ के क्लास में तो आराम से हो जाएगी मिडिल टर्म स्प्लिट से, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, माइनस टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स माइनस वन तो यू का यू ही रहने दो, इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूं अब मैं एक्स स्क्वायर, तो कैसे करूं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके माइनस टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, समझ आ गया बच्चों, आगे करता हूँ, और कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रहा हूँ, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस टू, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया वन, अब एक्स माइनस टू पूरे में से कॉमन लिया और एक्स प्लस वन, तो फैक्टर्स क्या बने, एक्स माइनस वन, तो देखो बच्चों यही आ रहे हैं, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अब ये किसके फैक्टर बने, एक्स क्यूब, ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, ये कैसा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक, इसके कितने फैक्टर बने, अगर मैं कहता, मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल देता, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं आपका, कि भैया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस बताने, लीनियर के लिए तो डायरेक्ट इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्वाड्रेटिक को पहले क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज, फिर इक्वल, अब ये कैसा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक, इसको फैक्टराइज करके क्या आया, क्या आया, एक्स माइनस वन, बस यही तक करना था, क्योंकि क्वेश्चन में तो फैक्टराइज लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, मैं कहूं उसके जीरोस बताओ, मैं क्या कहूं, तो ये जो फैक्टराइज फॉर्म आई है एक्स्ट्रा ओलंपियाड, ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूं, एक्स माइनस, ये फैक्टराइज तो कर ही लिया आपने, इसको इक्वल टू जीरो रखा, अब इन तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, या तो एक्स माइनस वन जीरो के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आई वन, या एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आई टू, या एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा तो इस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोज हैं, एक वन है, एक माइनस वन है और एक टू है, वन तो हमें पहले ही पता लग गया था, हमने हिट एंड ट्रायल से वन नहीं कर जांच लिया था कि हाँ वन से तो जीरो आई रहा, बाकी दो जीरोस और पता लग गए, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन डेफिनेटली आती है एग्जाम में, दो तीन हम और एक्स्ट्रा करते हैं आपके साथ, आइए